हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं तपस्या का फल किस प्रकार मिलता है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना और एक प्यारा सा लाइक कर देना। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने हेतु माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्णता की ओर थी और एक समय वह भगवान के चिंतन में ध्यान मगन बैठी थी। उसी समय उन्हें एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है। बालक अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा था तथा मगरमच्छ उसे आहार बनाने का करुणामयी माँ को बालक पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार न बनाए। मगरमच्छ बोला, माता यह मेरा आहार है, मुझे हर छठे दिन अंदर पूर्ति हेतु जो पहले फल मिलता है उसे मेरा आहार ब्रह्मा निश्चित किया है। माता ने फिर कहा, आप इसे छोड़ दें, इसके बदले मैं अपनी तपस्या का फल दूंगी। ग्राह ने कहा, ठीक है। माता ने उसी समय संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या का पुण्य फल उस ग्राह को दे दिया। ग्राह तपस्या के फल को प्राप्त कर सूर्य की भांति चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता आप अपना पुण्य वापस ले लें, मैं इस बालक को यूं ही छोड़ दूंगा। माता ने मना कर दिया तथा बालक को गोद में लेकर ममतामयी माता दुलारने लगी। बालक को सुरक्षित लौटाकर माता ने अपने स्थान पर वापस आकर तप शुरू कर दिया। भगवान शिव तुरंत ही वहाँ प्रकट हो गए और बोले, पार्वती अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है, हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने हर उस ग्राहक को तप का फल दिया, वह मुझे ही प्राप्त हुआ है, अतः तुम्हारा तप फल अंत गुना हो गया। तुमने करुणावश द्रवित होकर किसी प्राणी की रक्षा की, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ तथा तुम्हें पत्नी में रूप में स्वीकार करता हूँ। कथा का सारथ यही है कि जो प्रेह की कामना करता है उस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। जो व्यक्ति असहायों की सहायता दयालु प्रेमी करुणाकारी होता है ईश्वर उसको स्वीकार करते हैं तथा यह कथा शिव पुराण में उल्लेखित है। तो यह वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है दोस्तों। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहना। जल्द मिलते हैं आपका राकेश कुमार गॉड लेवल चैनल में। आपका हार्दिक स्वागत है।